बोर्डिंग स्कूल में बच्चियों को बंधक बनाने का मामला। हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। जी हाँ, पीपलखेड़ी गांव में यूफ्रेसिया भवन बोर्डिंग स्कूल में 10 बच्चियों के बंधक बनाए जाने एवं बच्चियों को परिजनों से मिलने नहीं देने की सूचना हिंदू संगठनों द्वारा दी गई थी। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन सहित तहसीलदार संजय जैन मौके पर पहुंचे। बोर्डिंग स्कूल में करीब 10 नाबालिग बच्चियाँ थीं, जिनसे तहसीलदार ने बातचीत की। तहसीलदार संजय जैन का कहना है कि बोर्डिंग स्कूल में बच्चियों के परिजनों ने स्वेच्छा से बच्चियों को भेजा था, साथ ही निर्मल ज्योति स्कूल को नोटिस भेजकर बोर्डिंग स्कूल की अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे गए हैं। बीना से इंडिया खबर लाइव संवाददाता सचिन पवार की एक रिपोर्ट। मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर पीपरखेड़ी गांव में एक निर्मल ज्योति से संबंधित एक बोर्डिंग स्कूल खुला हुआ है और उसमें कुछ बच्चियाँ बंद हैं और वो उनको ना तो किसी से मिलने दिया जा रहा है, ना ही उनसे किसी को बात करने दिया जा रहा है। ऐसे जानकारी प्राप्त हुई, मैं वहाँ पहुँचा, पूरी तरह से पहुँच चुकी थी। मैंने जानकारी ली तो ये दरअसल ये बोर्डिंग स्कूल है और उनके द्वारा इसको निर्मल ज्योति जो बीना में एक शैक्षणिक संस्था है उससे हुई एफिलेटेड बताया है इसको, और उसमें बच्चियों को बोर्डिंग स्कूल के लिए बोर्डिंग के रूप में रखने का उन्होंने उद्देश्य बताया है। इसके संबंध में मैंने उनसे दस्तावेज मांगे हैं, निर्मल ज्योति संस्था को भी मैं पत्र जारी कर रहा हूँ ताकि उनसे स्पष्ट हो सके कि ये संस्था जो खोली गई है वो किस उद्देश्य से खोली गई है और क्या उसको विधिवत अनुमतियाँ उसने ले ली हैं या नहीं ली हैं, इसके संबंध में क्या कार्यालय से पत्र जारी करके उनसे जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं। सर, अभी जो बच्चियाँ मिली थी आप, कितनी बच्ची थी? 10 बच्चियाँ थी। मैंने उन बच्चियों से बात की और बच्चों से उनके परिवार का नंबर लिया। एक बच्ची की माँ से मैंने स्वयं बात की और माँ द्वारा बताया गया कि उन्होंने अपनी बच्ची को स्वेच्छा से यहाँ छोड़ा है, लेकिन अब उनका शायद कुछ मन बदल गया और वो अपनी बच्ची को वापस ले जाना चाह रहे हैं। मैंने भी जो संस्था में जो अध्यापिका या जो बोर्डिंग स्कूल में थी उनको मैंने बताया कि आज सभी बच्चों के पेरेंट्स को बुलाएं और उनको बच्चों को वापस करें और विधिवत आप अनुमति या सूचना देके, क्योंकि उनके द्वारा ना तो प्रशासन को सूचना दी गई है और ना ही पुलिस को सूचना दी गई है, आप विधिवत अनुमति लेके और विधिवत सूचना देके इसका संस्था का प्रकाशन कराते ही ऐसा कोई कार्य करें ताकि और अभी जो बच्चियां हैं उनको तत्काल अपने पेरेंट्स के पास पहुँचाएँ। तो सर, अभी जो संस्था के चल रही है इसके संबंध में जानकारी ले रहा हूँ, मैं निर्मल ज्योति संस्था को पत्र जारी कर रहा हूँ कि क्या ये उसी संस्था का एक अंग है या कोई एक स्वतंत्र संस्था है और इनके पास क्या इस जो सक्षम अनुमतियाँ हैं वो हैं कि नहीं है, इसके संबंध में निर्मल ज्योति से स्पष्टीकरण दे रहा हूँ।